दिल्ली में हटाई गई डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, समझो कि हमारे एक पिता समान उसको हमने खो दिया है, तो आज हमारी ये दूसरी मृत्यु बाबा साहब की हुई है। राजधानी में संविधान निर्माता का सबसे बड़ा अपमान, इतना बड़ा हमारे साथ में हादसा हो गया, महामानव की मूर्ति को बड़े आसानी से वो हटाकर चले गए और हम सब तमाशा देखते रह गए। देश की राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद गांव के जाटव मोहल्ले में लगी संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को जबरदस्ती हटा दिया गया है। बीती रात पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण का हवाला देकर दलित बस्ती से दलितों के सबसे बड़े मसीहा को अपमानित करके बाहर कर दिया गया। जाटो मोहल्ले के लोग विरोध करते रहे लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस और कोर्ट ने जातिवादियों का साथ दिया और मूर्ति को गलत तरीके से हटा दिया। आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल तुगलकाबाद गांव के जाटव मोहल्ले में दलितों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई थी। सालों से इस खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल दलित अपने कार्यक्रम वगैरह करने के लिए करते हैं, क्योंकि गांव में दलितों के लिए कोई चौपाल नहीं है। इस जमीन पर पिछले साल गांव वालों ने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी। गांव वालों का आरोप है कि कुछ जातिवादी भू माफिया दलितों की जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। इन लोगों ने मूर्ति लगाने का विरोध किया और पिछले साल 15 अगस्त को जब दलित देश की आजादी का जश्न मना रहे थे तब उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था और आरोपी अपने खिलाफ दर्ज हुई FIR को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। वकील की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर अतिक्रमण कहकर मूर्ति को हटाने का आदेश दे दिया। कोर्ट का आदेश आते ही आनन-फानन में पुलिस ने मूर्ति को जबरन हटा दिया। देखिए, जो ये तुगलकाबाद बाबा साहब के स्टैचू के रिमूवल का मामला है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। पहली बात तो मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो पिटीशन लगाया था, जिनसे झगड़ा है, जो एक्चुअल वहाँ पर एनक्रोचर्स हैं, जो लैंड ग्रेबिंग करते हैं वहाँ, उन लोगों से झगड़ा है और उन्होंने पिटीशन लगाया था, उनके खिलाफ एक FIR हो रखी थी। उस FIR को क्वेश कराने के लिए, अरेस्ट को स्टे कराने के लिए उन्होंने पिटीशन लगाया था, क्योंकि उनको कहीं से भी कोई रिलीफ सेशन कोर्ट से मिली नहीं, उनकी एंटीसिपेटरी बेलें कई बार रिजेक्ट हो गई। तो उससे बचने के लिए उन्होंने स्टे ऑफ अरेस्ट विद दी प्रेयर ऑफ क्वेशिंग ऑफ FIR लगाया था। लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसमें देखा कि मामला क्या है, जब पूरा स्टडी किया तो उनको ऐसा लगा कि ये इंक्रोचमेंट का मामला है केवल, जबकि ऐसा नहीं है। इन माय पर्सनल ओपिनियन, बीइंग ए पर्सन ऑफ द पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, कि जो चीज़ आपसे मांगी नहीं है, ऑनरेबल हाईकोर्ट को ये देखना चाहिए था कि ये पिटीशन क्वेशिंग की है और स्टे ऑफ अरेस्ट की है, आप उस पर ना जा करके अपने ज्यूरिडिक्शन जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं। इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू चेंज द इंटायर मैटर इन टू ए सिविल वन, जबकि 482 में एक एप्लीकेशन लगी थी फॉर अर्ली हियरिंग वगैरह, और ये भी सब 482 का पार्ट है, क्वेशिंग भी। और तो रिट पिटीशन जो डाली है, क्वेशिंग मिसलेनियस क्रिमिनल जो डाली है, वो क्रिमिनल पिटीशन है, एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल पिटीशन है। अब हाईकोर्ट ने क्या किया है इसमें कि देखा कि लड़ाई कहाँ हुई है, झगड़ा क्या है। गांव वालों के मुताबिक पुलिस ने लोगों को घरों में बंद कर दिया और किसी को घर से निकलने भी नहीं दिया। कल रात जो हमारे साथ में साजिश के तहत हमारे साथ में बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया गया, पुरातत्व विभाग ने पूरी जमीन पे तुगलकाबाद के कब्जे करा के और उनसे पैसे खा के, और हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक बाबा साहब को जो आज उन्होंने हटाया है, समझो कि हमारी एक पिता समान उसको हमने खो दिया है, तो आज हमारी ये दूसरी मृत्यु बाबा साहब की हुई है। इस समाज को सोचना चाहिए कि भाई इतना बड़ा हमारे साथ में हादसा हो गया, महामानव की मूर्ति को बड़े आसानी से वो हटाकर चले गए और हम सब तमाशा देखते रह गए, और पुलिस ने हमारे घरों को और हम सबको इस तरीके से कैद कर दिया कि भी बच्चे भी हमारे बाहर नहीं निकल सकते थे, और कोर्ट ने भी हमारे अनदेखी करते हुए, जो कि उसमें साफ लिखा हुआ कि आल इंक्रोचमेंट को सभी को हटाया जाए। अब गांव वाले पूछ रहे हैं कि क्या देश की राजधानी तक में संविधान निर्माता की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती, और ये दिल्ली देश की जो राजधानी है उसमें बाबा साहब की जो स्टैचू है पार्लियामेंट में लगी हुई है, लेकिन उसके लिए कहीं पे जगह नहीं है,
और ये एक साजिश के तहत किया गया है प्रशासन के द्वारा और मनुवादी कोर्ट के द्वारा, मैं ये कहूँगा, क्योंकि पूरा गांव लोगों ने बेच खाया और उसके बावजूद भी हमारे बाबा साहब के लिए कोई इस गांव में जगह नहीं है, दलितों के लिए कोई पंचायत घर नहीं है, बारात घर नहीं है, तो हमें हमारा हक चाहिए और इसके लिए हम आगे भी आंदोलन करेंगे। कई बहुजन संगठनों और पार्टियों ने बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का विरोध किया है, वहीं गांव वालों ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। लोग कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कह रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।